1887 में पहली बार इंसान पवन चक्की या विंड टरबाइन की मदद से बिजली बनाने में सफल हुआ, लेकिन उसके बाद इस तकनीक को भरोसेमंद, किफायती और बेहतर बनाने में बहुत लंबा वक्त लगा। आज कई देशों में विंड फार्म स्वच्छ ऊर्जा का अहम स्रोत बनते जा रहे हैं। विंड पार्क बनाने से पहले हर इलाके की विंड मैपिंग कर ये देखा जाता है कि वहां साल भर कितनी हवा किस रफ्तार से बहती है। फील्ड स्टडी के बाद विंड टरबाइन लगाकर दो तरह के विंड फार्म बनाए जाते हैं, जमीनी और समुद्री। विंड टरबाइन के टावर 100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, क्योंकि 80 से 100 मीटर की ऊंचाई पर हवा का बहाव बहुत अच्छा होता है। विंड टरबाइन में आमतौर पर हवाई जहाज के डैनों के आकार वाले 3 विंग्स होते हैं। एक विंग की लंबाई 35 से 60 मीटर तक हो सकती है। आधुनिक विंड टरबाइनों को घूमने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चाहिए। हवा जिस दिशा में बहती है, प्रोपेलर उसी तरफ मुड़ जाते हैं। 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा में विंड टरबाइन सबसे अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन अगर हवा 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो तो प्रोपेलर सुरक्षा कारणों से अपने आप रुक जाते हैं। प्रोपेलर एक नोजल से जुड़ा रहता है। प्रोपेलर की रफ्तार बिजली पैदा करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन नोजल के भीतर एक गियरबॉक्स इस गति को 1500 रोटेशन पर मिनट तक पहुंचा देता है। ये गति शाफ्ट के जरिए जनरेटर को घुमाती है और इस गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को बिजली में बदल देती है। विंड टरबाइन के टावर के भीतर ही एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो बिजली को 20,000 वोल्ट तक पहुंचा देता है। इस बिजली को जमीन या समंदर में दबाए गए तारों के जरिए एक सबस्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जहां वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाकर बिजली को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। हवा से पैदा की जाने वाली इस बिजली को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये तकनीक मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। विंड टरबाइनें प्राकृतिक परिवेश में बहुत ज्यादा शोर भी घोलती हैं और इनके विंग से टकराकर हर साल सैकड़ों पंछी मारे भी जाते हैं।